तो दोस्तों आज है ग्यारह जुलाई 2022 और आज मैं लेके हूँ आपके लिए फिर से बी एफ एल एसेट्स फाइन वेस्ट लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालिस और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें आदेश जी ने कमेंट किया था सो तो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें और अगर दोस्तों आप भी इस कंपनी के बारे में कम्प्लीट जानकारी हासिल करना चाहते तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए यह वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हरी चीज़ को और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पर निवेश करना चाहिए कि नहीं दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नजर डालेंगे और अगर, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमांड अकाउंट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको हंड्रेड रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैं आपको सबसे सब पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको एक नज़र दिखा देता हूँ तो ये है इस कंपनी का मार्च 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट रेवेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो 132 परसेंट का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है रेवेन्यू पे ईयर ऑन ईयर ठीक है नेट इनकम कंपनी को लगभग दो परसेंट के आसपास लॉस हुआ है इस साल में नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी 56 परसेंट प्रॉफिट में है और ऑपरेटिंग इनकम में लगभग चालीस के आसपास कंपनी को इस साल में प्रॉफिट हुआ है वही कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पर ठीक ठाक है दोस्तों यहाँ पर ग्यारह के आसपास कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है तो चलिए अभी हम इस कंपनी का फंडामेंटल को समझ लेते तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीना डॉट इन पर तो दोस्तों ये कंपनी फाइनेंस एंड इन्वेस्ट में काम करता है ठीक है ये कंपनी जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जो है रजिस्टर्ड है तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के लिए तो इस कंपनी का टोटल आप मार्केट कैप देख सकते हो यहाँ पे 54.5 करोड़ का है करंट शेयर प्राइस लगभग फिफ्टी फोर के आसपास आ चुका है हाइएस्ट बनाया था कुछ दिन पहले लगभग दो सौ का और अगर लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा छत्तीस रुपये कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है थोड़ा बहुत मतलब लेवल पे है लेकिन नंबर्स के मुताबिक अभी भी कंपनी का थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वो हाई है कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे लगभग बारह रुपये के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है लेकिन ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड नहीं देता है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स इस वक्त आप देख सकते हैं साढ़े के आसपास है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर कंपनी के लिए एटलीस्ट कम से कम चौदह चौदह प्लस होना चाहिए यहाँ पे नंबर्स तो यहाँ पे नंबर्स कम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो इसका भी नंबर सिक्स परसेंट के आसपास है मैं ये भी तेरह परसेंट प्लस बोलता हूँ हर वीडियो में ठीक है कंपनी का फेज वैल्यू देखेंगे यहाँ पर दस का है दोस्तों तो थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जान लेते हैं हम लोग तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट फोर टाइम वेलू बुक वैल्यू का नंबर इस वक्त थोड़ा सा बढ़ चुका है आपको ये ध्यान रखना है डिविडेंड नहीं देता ये कंपनी और इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग आप देख सकते हो यह इस वक्त लगभग उन्नीस परसेंट के आसपास है प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत ही कम है मैं एटलीस्ट एक एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम चालीस परसेंट का प्रोमोटर्स का होल्डिंग होना चाहिए एक अच्छा कंपनी पर निवेश करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो बीते तीन सालों के मुकाबले में इक्विटी पर सिर्फ टू का रिटर्न दिया है तो बहुत ही कम है एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर मैं बारह तेरह परसेंट के आसपास नंबर्स होना चाहिए था यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दिखा देता तो, हूँ तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो सेल्स वगैरह देख लेते हैं तो सेल्स में कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है एक कंपनी का मार्च के क्वार्टर में जीरो पॉइंट फिफ्टी सेवन करोड़ कंपनी का सेल कितना हुआ है जीरो पॉइंट थर्टी फोर करोड़ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना लॉस पे रहा है जीरो पॉइंट ट्वेंटी थ्री करोड़ मार्च के क्वार्टर में कंपनी को टोटल लॉस हुआ है जीरो पॉइंट ट्वेंटी थ्री करोड़ आपको ध्यान रखना है दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में था बट मार्च के क्वार्टर में कंपनी लॉस पे आ चुका है लॉस हुआ है कंपनी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जीरो पॉइंट ट्वेंटी नाइन करोड़ लॉस पे है नेट प्रॉफिट में कंपनी uh, को लॉस हुआ है नेट प्रॉफिट में जीरो पॉइंट फिफ्टी टू करोड़ का तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि कंपनी क्वार्टरली लॉस पे है ये चीज़ आप लॉन्ग टर्म पे निवेश करने के लिए निवेश करने से पहले ध्यान रखिए मैं आपको ईयर ऑन ईयर दिखा देता हूँ ठीक है ईयर ऑन ईयर कंपनी का यहाँ पे ठीक ठाक है वन पॉइंट नाइन्टी थ्री करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हुआ है इस साल में दो हज़ार बाईस में और कंपनी का सेल हुआ है थ्री पॉइंट जीरो नाइन करोड़ ठीक है तो कंपनी ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है इस साल में वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट सिक्सटीन करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जीरो पॉइंट नाइन्टी वन करोड़ कंपनी प्रॉफिट में है नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट वो जीरो पॉइंट सिक्सटी नाइन करोड़ ठीक है ईयर ऑन ईयर ठीक है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन क्वार्टरली कंपनी का नंबर्स नेगेटिव पे आ चुका है आपको ध्यान रखना है मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता तो हूँ इस कंपनी का बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा इजाफा किया है ज़रूर इस कंपनी ने हालांकि इससे पहले मार्च दो का क्वार्टर में आप देखेंगे सॉरी मार्च दो का रिजल्ट में आप देखेंगे तो फोर्टीन करोड़ का कंपनी के पास लाइबिलिटीज था यहाँ पे 15.06 करोड़ का लाइबिलिटीज़ हो चुका है तो डेफ़िनेटली लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा इजाफा किया है कंपनी का एसेट इस वक्त फिफ्टीन करोड़ का है यह है इस कंपनी का डिटेल्स मैं आपको थोड़ा सा और स्क्रोल डाउन करके एक नज़र आपको इस कंपनी का प्रोमोटर्स का होल्डिंग दिखा देना चाहता हूँ तो प्रोमोटर प्रोमोटर्स का आप होल्डिंग देख सकते हो यहाँ पे एटीन पॉइंट सेवेंटी वन परसेंट का कंपनी का प्रोमोटर्स का होल्डिंग है लगभग एट्टी टू परसेंट का पब्लिक का होल्डिंग है यहाँ पे एफ आई एस डी आई एस गवर्नमेंट कोई नहीं है सिर्फ प्रोमोटर्स और पब्लिक है ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए और मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी को क्वार्टर क्वार्टरली कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपको होल्ड करना चाहिए ईयर ऑन ईयर भले ही अच्छा है लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तो चलिए एक नज़र हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है तो दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न एनालाइज करने से पहले आपको बता दूँ इस कंपनी को लेके इस वक्त यूट्यूब में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चला जा रहा है बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चला जा रहा है ठीक है तो फेक न्यूज़ से आप बचिए दूर रहिए और एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज़ वाले शेयर से खासकर दूर रहिए क्योंकि एडवर्टाइज वाले शेयर्स को क्या करता है पंप एंड डंप होने का वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर नए इन्वेस्टर के जरिए शेयर को ज़बरदस्ती खरीदवा देता है झूठा मोटा न्यूज़ फैला के और जब दोस्तों शेयर प्राइस नीचे आ जाता है तो उन रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं चलता है जिसके कारण उसको फिर महंगे वैल्यूएशन में शेयर्स को बाय करने के कारण उनको नुकसान हो जाता है एंड ऑफ द डे ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिए इस कंपनी को लेके इस वक्त यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा है सब जगह पे मैं फिर से बता रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त इस कंपनी का आज के दिन ये कंपनी पाँच परसेंट का अपर सर्किट दिया है इस वक्त करंट शेयर प्राइस हो चुका है फिफ्टी थ्री रुपीज़ मतलब पैंस तिरपन रुपया चालीस पैसा ठीक है वीकली चार्ट पैटर्न के मुताबिक अगर आप मैक्स फाइव डे तो का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे बाबीस परसेंट का ठीक ठाक रिटर्न दे चुका है मैं आपको इस कंपनी का वन मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ इस महीने में पंद्रह परसेंट का रिटर्न दिया है लगभग पंद्रह सोलह परसेंट का इस महीने के हाइस्ट इससे पहले हाइस्ट लग था फिफ्टी टू रुपीज़ फिफ्टी टू रुपीज़ से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे चुका है इस हाई को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है तो अगर थोड़ा सा और एक दो दिन और अपर सर्किट जाता है तो डेफ़िनेटली ये कंपनी एक ब्रेकआउट के कतार पर खड़ा रहेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है इसका शेयर प्राइस और भी थोड़ा सा महंगा हो जाए लेकिन आपको सिक्स मंथ का भी चार्ट पैटर्न देखना है क्योंकि इसका शेयर प्राइस जब यहाँ पर था लगभग ढाई सौ तीन सौ तब से मैंने ये, ये आप इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हो और आपको इस शेयर से दूर रहने के लिए कहा हो क्योंकि तब से इस कंपनी को एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो हालांकि यहाँ पे दो सौ दो सौ अंठावन रुपया बनने के बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेन दिया तो ये डाउन ट्रेन जब दिया फिर से एक ब्रेक ब्रेकआउट मिला मतलब कंपनी को एक सपोर्ट मिला शेयर्स को फिर से अपर अप सर्किट में जाना शुरू हुआ यहाँ पे फिर से कंपनी को एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ एडवर्टाइजमेंट चलाने लगा लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस जैसे जैसे फिर से नीचे आनाल बंद हो गया फिर से यहाँ पर ऊपर गया थोड़ा सा फिर से एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया तो इस तरह से इस वक्त भी इस कंपनी को लेकर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो रहा है ठीक है कंपनी का जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखेंगे सिक्स मंथ का तो लगातार ये कंपनी लोअर सर्किट पे बिजनेस कर रहा है इसलिए मैं आपको लॉन्ग टर्म पे निवेश करने के लिए इस कंपनी से इस वक्त दूर रहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी लगातार इसका डाउन ट्रेंड में है थो, थोड़ा बहुत अगर वीकली चार्ट पैटर्न पर या फिर डेली चार्ट पैटर्न पर थोड़ा बहुत अगर अपर सर्किट में जाता है तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा ना तो जितना ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है उतना ही तेज़ी से नीचे भी आ सकता है ये चीज़ें ध्यान रखिए क्योंकि इस वक्त इस कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को शेयर्स को बाय कर ख़रीदवा जा रहा है ज़बरदस्ती इस चीज़ से आप दूर रहिए ठीक है थीके? अगर आप इस कंपनी का एक साल का चार्ट पटन देखेंगे तो बयालीस परसेंट से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका है अपने निवेशक का पैसा डुबा चुका है यहाँ पर जो भी दो सौ के प्राइस में बाय किया था आज उसका प्राइस पचास रुपये पर आ चुका है ठीक है ये चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों मैं आपको मैक्स फाइव ईयर का दिखा देता हूँ इस कंपनी का जो भी चार्ट पटन है मैक्स फाइव ईयर में थर्टी थ्री परसेंट से ज़्यादा नीचे गिर चुका है ठीक है मैक्स टू मैक्स अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो ये कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2020 में अस्सी रुपये के आसपास लिस्ट हुआ अस्सी का शेयर यहाँ पे सीधा 200 क्रॉस कर चुका था फिर से थोड़ा नीचे आया फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया मतलब इस हाई को थोड़ा सा क्रॉस किया उसके बाद इतना नीचे आया कि यहाँ पे 260 का शेयर सीधा आज पचास पचपन में मिल रहा है आपको ठीक है ये चीज़ें ध्यान रखिए ओवरऑल चार्ट पैटर्न डाउन ट्रेंड है कंपनी का फंडामेंटल भी उतना अच्छा नहीं है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी पे अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए इसका शेयर प्राइस आपको और भी सस्ता प्राइस में मिल सकता है तो ये थी हमारी इस कंपनी को लेके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना अपने दोस्तों को शेयर करना और किसी भी कंपनी पर निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से कंपनी का फंडामेंटल को ज़रूर समझ लेना ठीक है नहीं तो दोस्तों एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट आपका होता है तो नुकसान भी आ, आप आपका ही होने वाला है अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपको ठीक है ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों निवेश कीजिए अच्छे अच्छे शेयर्स पे और इस वक्त मार्केट नीचे आ चुका है आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी के शेयर्स भी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा मार्केट लीडर्स को चुनिए ऐसे शेयर्स पर ज़्यादा रिस्की रहता है पेनी स्टॉक्स की तरह मार्केट लीडर्स पर बहुत ज़्यादा कम रिस्क रहता है वहाँ पर रिटर्न का भी चांसेस इस वक्त ज़्यादा है मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद